हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर भारत की पहली इंजीनियर महिला के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इस दुनिया में जिस किसी चीज़ की भी शुरुआत हुई होती है तो उसमें कोई तो पहला होता ही है जिसने यहाँ पर पूरी महिला समाज को इंस्पायर किया होगा। तो ऐसे में यहाँ हम आपको भारत की पहली इंजीनियर से रूबरू करा रहे हैं। देश की पहली महिला इंजीनियर थी तमिलनाडु की रहने वाली ललिता, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो उस दौर में इंजीनियर बनी थी जब महिलाओं को सिर्फ बेसिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ललिता ने कठिन मेहनत की और अपने मुकाम को हासिल किया। ऐसे में हम जानते हैं आज उनकी संघर्षपूर्ण इस ज़िंदगी को। जी हाँ, ललिता ने अपने 7 भाई बहनों में 5वीं स्थान पर वो संतान थी। जब 15 साल की थी तब उन्हें 7 फेरों के बंधन में बांध दिया गया था और 18 साल की उम्र में वो एक बेटी श्यामला चेनुलू की माँ बन गई थी। और 18 साल की उम्र में वो एक छोटी नन्ही श्यामला चुनलू की माँ बन गई थी। बेटी के जन्म के 4 माह बाद ही ललिता के पति दुनिया छोड़कर चले गए थे। ऐसे में एक विधवा माँ पर ही अपने नन्ही बेटी के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी आ गई। जी हाँ, आप सभी की ये जो ललिता थी उनके कंधों पर सारी की सारी उनके परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे में अकेली ललिता के दौर में भी विधवाओं को समाज से अलग रहकर कठिनाइयों भरा जीवन बिताना पड़ता था, लेकिन वो अपने इन्हीं संघर्षों की वजह से लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई। बेटी की देखभाल के साथ साथ ललिता ने आगे अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने की ठानी और इंजीनियर बनने के सपने देखे और उन्हें पूरे करना का ख्वाब पूरा भी किया। उस वक्त पेरेंट्स अपने बेटों को इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते थे और लड़कियों को 8वीं या फिर 10वीं तक की बेसिक शिक्षा तक सीमित रखते थे। तो वहीं आपको बता दें, 27 अगस्त 1919 में जन्मी ललिता के लक्षम में ना ही एक विधवा की इमेज और ना ही उनकी नन्ही बेटी आड़े आई। ललिता की बेटी श्यामला ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपने मां के संघर्ष की कहानी को हमेशा याद करती हैं। वो भारत की करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा बनी और साथ ही श्यामला का कहना है कि उनकी मां के साथ उनकी सास का भी काफ़ी बुरा बर्ताव था, जो अपने 16वें बच्ची की मौत का गुस्सा एक कम उम्र की विधवा पर निकालती थी। ललिता ने जब इंजीनियर बनने का सपना देखा था तब महिलाओं के बीच मेडिकल की पढ़ाई का क्रेज ज़्यादा था। इस प्रोफेशन में 24 घंटे आपको प्रेजेंट रहना अनिवार्य है, लिहाजा ललिता ऐसी जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की देखभाल भी करनी पड़ती थी। इसलिए वो 9 से 5 वाली जॉब करना चाहती थी ताकि अपनी बेटी को वो देख भी सके। ललिता के इंजीनियर बनने में उनके पिता पप्पू सूबा राव ने उनका पूरा सहयोग किया। पिता राव ने जेलेक्ट्रोमेनिया यानी एक तरह का विद्युत संगीत वयंत्र या इलेक्ट्रॉनिक फ्लेम प्रोड्यूसर व धुआं रही चूल्हे का आविष्कार किया था। ललिता ने पिता को भी उनके काम में सपोर्ट किया। पिता की वर्कशॉप में 9 माह काम करने के बाद ही ललिता आगे बढ़ने के अन्य रास्ते तलाशने लगी थी और बाद में कोलकाता के एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। बेटी के कहने पर उन्होंने 1984 में मद्रास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिला करवाया। कॉलेज के प्रिंसिपल केसी चाको ने ललिता का पूरा साथ दिया। चूंकि ललिता कॉलेज में इकलौती लड़की थी इसलिए उनके लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की गई। लक्ष्य को हासिल करने के लिए ललिता ने बेटी को अंकल के पास रखा और हफ्ते में वो श्यामला से मिलने जाती थी। हॉस्टल में ललिता को सभी लड़के काफ़ी सपोर्ट करते थे, उन्हें किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक दिन उन्होंने हॉस्टल के प्रबंधक से शिकायत की कि
अब उन्हें बोरियत सी होने लगी है। तब उनके पिता ने दो अन्य गर्ल्स को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित किया। 1984 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चरम पर था, इसलिए सभी इंजीनियर्स स्टूडेंट को कुछ माह पहले ही अपने कोर्स को पूरा करने का संकल्प लेना पड़ा। ग्रेजुएशन के बाद ललिता ने कुछ वक्त तक शिमला के सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। उन्होंने कुछ वक्त तक पिता के साथ चेन्नई में भी काम किया था। साल 1964 में ललिता को न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था। तभी ललिता को अपने प्रोफेशन का पहली बार पता चला और देश की पहली महिला इंजीनियर बनी। ललिता की बेटी श्यामला का कहना है कि उनकी मां ने अपने हर कर्तव्य का पालन बड़ी ईमानदारी से किया है। उन्होंने बजाय दूसरी शादी करने के अपने लक्ष्य को चुना और महिलाओं के लिए एक नई दिशा बनी। अपने पूरे करियर में ललिता ने धैर्य और बोलने की बजाय काम करने पर ज़्यादा जोर दिया, जो कि आज सभी महिला इंजीनियर और साथ ही एक आम महिला के लिए भी वो इंस्पिरेशन का काम बनी।